corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. हर व्यक्ति का अपना एक घर हो, ये सपना सभी रखते हैं, पर भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में ये सपना सभी का पूरा होता नहीं दिखता। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की योजना द्वारा, जिसका नाम इंदिरा आवास योजना है, उस योजना के द्वारा उन लोगों का सपना पूरा करने जा रही है जो अपना घर बनाने में असमर्थ हैं। आइए इसी विषय पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। इस योजना के बारे में कैसे पता चला? यहाँ 2-3 साल पहले कुछ अफसर आए थे और उन्होंने मतलब घर घर जा कर के देखा भाई किसके मकान कच्चे हैं, किसको मतलब सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है जी। तो उसके कई साल बाद, कम से कम 2.5-3 साल के बाद, अब ये योजना मतलब गवर्नमेंट ने पास करके 1 लाख रुपया तकरीबन मतलब जिसके मकान कड़ियों वाले हैं, कच्चे हैं, उनको देने का मतलब ऐलान किया है। यह सुविधा केवल स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के लिए है। कंडीशन इस प्रकार रखी गई है कि जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं उनको 1 लाख रुपए की ग्रांट बराबर बराबर किस्म की 4 किस्तों में डिवाइड किया गया है। आपके घर बनाने से पहले की स्थिति क्या थी? हमारे कच्चे मकान थे, हमें बहुत मजदूर मेहनत, गरीबी आदमी के हिसाब से बनाए। हम कच्ची छता थी, बहुत दिक्कत थी, जहाँ रोटी खाते हैं मीचों में मिट्टी डाल देते थे। ऐसा था जैसे बरसात आती थी तो मतलब बरसात की वजह से कमरे चीखते थे, पानी टपक टप करता था। हम अपने बच्चों को लेकर के एक कमरे में कभी इस कुंडे में बैठना जिधर से पानी मतलब नहीं टूटता था, और कभी मतलब जब सारा कमरा चीखता था तो बाहर भी मतलब धर्मशाला वगैरह में अपना बिस्तरा डाल लेते थे। ऐसी कई सरकारी योजनाएं होती हैं जो सिर्फ कागजों में रह जाती हैं, लेकिन इस योजना को अमल में कैसे लाया गया? बस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जी, और गरीब लोगों को जो है हमने डायरेक्ट पैसा देना है। हमने पहले तो मकान बना के देती थी सरकार, अब हमने उनको डायरेक्ट पैसा देना जी, 25% की 4 किस्तें हैं। क्या आपको इस कार्य से कोई परेशानी आई अभी तक? अभी तक तो कोई परेशानी आई। हम सरकार, हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए ये अच्छा काम कर चुकी है। यूँ तो आम धारणा रहती है कि सरकारी योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती है, पर इस योजना को इतने अच्छे ढंग से लागू किया गया कि जिससे जरूरतमंद लोगों को लाभ हुआ। अगर सरकार की योजना इसी तरह कार्य करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब आम जनता के रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। मैं अमित कुमार लाड़वा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।